dear students, uh, in previous module, we have learned how to recode a variable into a same variable through spss. in this module, we are going to learn recoding into different variables in spss. so uh, the command of uh, performing uh, this procedure is uh, similar like uh, recoding into the same variable. you have to click on the tab. Uh, transform and then after clicking on the transform you have to select the option recode into the different variable once you have selected recode into the different variable this type of uh, dialog box will be opened so when this dialog box will be opened then you have to decide your variable which you want to recode into a different variable for instance

ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज के टैब के ऊपर जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसी तरह जैसे रिकोड इन टू सेम वेरिएबल में आपके पास आ, इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था इसी तरह रिकोड इंटू डिफरेंट वेरिएबल्स में भी डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा यहाँ पर आपने जैसे रिकोड इंटू सेम वेरिएबल में वेरिएबल की रेंज दी थी आ, उसकी दो वैल्यू दो कैटेगरीज बनाई थी रेंज के लिए इसी तरह यहाँ पे भी आप उसकी रेंज देंगे उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ की बेसिस पे दो कैटेगरीज बनाएंगे, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि दो कैटेगरीज बन गई और आपने उसको कोड दे दिए और कोड देने के बाद आप कंटिन्यू के टैब के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आ, जो है जो एक नया वेरिएबल आ जाएगा इन दिस शेप आपके पास ओरिजिनल वेरिएबल भी रहेगा जो कि यहाँ पे है और एक न्यू वेरिएबल भी ऐड हो जाएगा इसका फ़ायदा ये है कि रिकोडिंग इंटू सेम वेरिएबल में आपका जो न्यू कोडिंग स्कीम होती है वो उसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल में ही एंटर होती है पर रिकोडिंग इंटू डिफ़रेंट वेरिएबल्स में जब आप कोडिंग करते हैं तो आपके पास एक न्यू वेरिएबल जो है वो बन के सामने आ जाता है तो आप जब ये इस शेप में आपके पास आ जाएगा तो उसके बाद आपको इसका वही प्रोसीजर करना है जैसे आपने रिकॉर्डिंग इनटू टू वेरिएबल में किया था कि आप वेरिएबल व्यू में जाएंगे वहाँ पे वैल्यूज़ के टैब को क्लिक करेंगे और वहाँ पर जाकर आप इसकी जो कोडिंग स्कीम है जो आपने यूज़ की है वन टू उसको लो और हाई की जो है वैल्यूज़ देंगे तो वंस यू हैव गिवन द वैल्यूज़ तो पहले आपके पास ये वन टू की शेप में न, आपके को के पास था मगर जब आपने वैल्यूज़ दे दी और वैल्यू लेबल के आपने ऑप्शन पे सिलेक्ट क्लिक करेंगे इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे वैल्यूज़ आ जाएंगी हाई और लो की शेप में